और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की वाहिद एमआरआई मशीन एक बार फिर खराब हो गई है। मरीज इससे शदीद परेशानी का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से दादरसी का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार हुसैन, बताइएगा अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है, कब तक ठीक कर ली जाएगी ये मशीन? अजय बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद, जैसा कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, फैसलाबाद में चार सरकारी अस्पताल हैं जिनमें जिला साहब गुलाम अहमदाबाद, जिला साहब समदाबाद, डीएचके अस्पताल और अलाइड अस्पताल शामिल है। और यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर मरीजों के हवाले से बात की जाए, 12,000 से 15,000 के दरमियान जो मरीज हैं वो रोजमर्रा की बुनियाद पर अपना इलाज के लिए आ रहे हैं। तो इनमें अगर मरीज कुछ ऐसे हैं जिनकी तादाद तकरीबन 150 से अबव है जो रोजमर्रा की बुनियाद पर MRI करवाने के लिए यहाँ पर अलाइड अस्पताल में आ रहे हैं, मगर बदकिस्मत यह है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मई 2009 में एक MRI अलाइड अस्पताल मशीन को फराहम की गई थी और यहाँ पर रोजाना 150 मरीज अपनी MRI करवाने के लिए आ रहे हैं, मगर ये मशीन अब खराब हो चुकी है। मशीन खराब होने के बाद फिर खराब हो चुकी है। शुक्रिया आजादार हुसैन।